तो कल नया चैप्टर स्टार्ट किए थे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। पढ़े आप, कुछ दिक्कत है इसमें? अभी तो कुछ दिक्कत नहीं होगी, है ना। जो कुछ हिस्टोरिकल पार्ट है उसको भी थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से आ जाए अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वो तो एग्जामिनर के ऊपर होता है ना। इसलिए कुछ कुछ हिस्टोरिकल पार्ट है वो भी याद रखिएगा इसका। ये सब तो पहले पढ़ ही चुके हम लोग, इंपीरियल बैंक से ये क्या हुआ था, फिर ये क्या काम करता था, ये सब पढ़ चुके हम। इंपीरियल बैंक के बाद वो आरबीआई में क्यों चला गया, इंपीरियल बैंक क्या करता था, सिर्फ बैंकों के लिए रूल और रेगुलेशन बनाता था, उनके फायदे के लिए, है ना, जनता के लिए नहीं बनाता था। हिल्टन यंग कमीशन हुआ, ये भी आप पढ़ गए। फिर महामंदी के कारण ये डूब गया, समझ में आ गया कि इंपीरियल बैंक इसको नहीं चला सकता, ठीक है ना, सिस्टम को नहीं चला सकता। तो फिर आरबीआई लाया गया 1934 के एक्ट के तहत, ये भी बताया हूँ आपको। फिर ये भी बताया हूँ कि उसमें 5 करोड़ रुपए था, जिसमें गवर्नमेंट का कितना शेयर था, सिर्फ 5% था, है ना। प्राइवेट जैसा इसकी स्थापना हुई थी ना, प्राइवेट जैसी स्थापना हुई थी, ये भी आपको कल बताया हूँ। ये तो मालूम ही है, ये हिस्ट्री में भी पढ़ाया हूँ आपको कि जब इसकी स्थापना हुई थी तो ये कहाँ था, कोलकाता में था। फिर 1937 दो साल बाद ही ये मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया, हिस्ट्री में इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर ये भी आपको बताया है ना, ये भी आपको बताया, सिर्फ क्या किया गया है, ताड़ का पेड़ तो वैसी का वैसी है, है ना। तो शेर की जगह भारत के जो राष्ट्रीय पशु, भारत का बाघ, उसको ले आया गया, ठीक है ना। ताड़ का पेड़ वैसी का वैसी है, ये चेंज किया गया, और इसको अपनाया गया था 23 फरवरी 1935 को, ये भी बता दिया आपको कल। ये भी याद रखिएगा, 1947 तक आरबीआई इसका सेंट्रल बैंक था, केंद्रीय बैंक का काम कर रहा था। मतलब 1937 में भारत से अलग होने के बाद भी म्यांमार का ये सेंट्रल बैंक का 10 सालों तक काम किया है ये, ठीक है ना। पाकिस्तान 1948, भारत के विभाजन के बाद रिजर्व बैंक ने जून 1948 तक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में काम किया है, पाकिस्तान के लिए भी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। फिर ये आपको बता दिया था, ये वैसे अब क्वेश्चन नहीं आता है, ये पहले बहुत आया है सब चीज, अब नहीं आते हैं क्वेश्चन, ये भी याद रखिएगा। और पहला 5 रुपए का नोट 1938 में ही प्रिंट हुआ था, उसमें सिग्नेचर किसके थे, सर जेम्स टेलर के थे। एक्चुअली में ये रिटायर हो गए थे, इनका 1937 तक ही कार्यकाल था, उसके बाद रिटायर हो गए, और ये 1 जुलाई 1937 को अपना पद संभाले, और 1938 में प्रिंट हुआ तो साइन किए, ये रिटायर हो गए थे वो इसलिए, ठीक है। और पहले इंडियन गवर्नर देशमुख थे, सीडी देशमुख, ये याद रखिएगा। फिर ये भी आपको याद रखना है, सबसे लंबे समय तक कौन थे, बेनेगल रामाराव, कब तक थे, 7 साल 197 दिन तक के लिए। सबसे कम समय के लिए कौन थे, अमिताभ घोष, कितने दिनों के लिए थे कुल, ये 20 दिनों के लिए, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। फिर इनके बारे में आपको बताया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में, ठीक है, ये बताया भी था कि इसमें जब वो कैबिनेट सेक्रेटरी थे तो भी इनके साइन थे, और जब ये गवर्नर थे तो भी इनका साइन है, 1 रुपए से लेके सभी तरह के नोटों में डॉक्टर मनमोहन सिंह का साइन है, और वो भारत के प्रधानमंत्री भी रहे, ठीक है। फिर अभी एट प्रेजेंट जो 25th गवर्नर है वो कौन है, शक्तिकांत दास जी हैं, ठीक है ना, शक्तिकांत दास जी हैं, ठीक है ना। और ये 2018 में इस पद में आए थे, 3 साल तक का ही इनका टर्न ओवर रहता है ना, 3 साल तक ही अपने पद पे रहेंगे, तो 2021 तक होना था इनको, मतलब 3 साल बाद 2021 तक इनको होना था, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पावर होता है इनका कार्यकाल बढ़ा दिए, तो 3 साल और एक्सटेंशन कर दिए, ठीक है ना, एक्सटेंशन इनको मिला हुआ है। तो अब ये 2021 से अभी 2024 तक, अब जिनका भी नाम अनाउंस होगा उनको अगला गवर्नर वो होंगे 26
गवर्नर, ठीक है ना। तो ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो, अगर उनसे उनका टर्म्स अच्छा है, उनको पॉलिसी उनकी अच्छी लगती है, तो गवर्नमेंट क्या करता है, उनके उनको एक्सटेंशन दे सकता है। वैसे इनका कार्यकाल 3 साल के लिए ही रहता है, याद रखिएगा, रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल 3 साल के लिए रहता है, ठीक है ना। फिर सरकार चाहे तो एक्सटेंशन दे सकती है, जैसे रघुराम राजन को नहीं मिला, ठीक है ना, ये भी बताया था कल आपको। उर्जित पटेल को तो उनका कार्यकाल होने से पहले ही इस्तीफा देना पड़ा था अपने निजी कारणों से, अब यहां से पढ़ना है। चलिए, देखिए कैसे होता है, दिख रहा है अच्छे से, दिख रहा है ना। तो जो रिजर्व बैंक है उसकी संरचना कैसे होती है, देखिए सबसे नीचे में देखिए सपोर्टिंग, जूम कर दूं, देखो रिजर्व बैंक की संरचना किस स्तर पे होती है। नीचे शुरू करेंगे तो आपका जो सपोर्ट स्टाफ होता है वो रहता है, ठीक है ना। फिर असिस्टेंट मैनेजर्स होते हैं, फिर इनके ऊपर मैनेजर्स होते हैं, फिर असिस्टेंट जनरल मैनेजर होते हैं, फिर डिप्टी जनरल मैनेजर होते हैं, जनरल मैनेजर, फिर चीफ जनरल मैनेजर, प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स, फिर ये गवर्नर हो गया, और इन सब के ऊपर में कौन होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। तो जो आरबीआई को जो गवर्नर होता है, आरबीआई को जो गवर्नर होता है, ये एक पूर्णकालिक, मतलब पूरी तरह से 3 साल के लिए एक ये गवर्नर रहेंगे ही, 3 साल के लिए ये गवर्नर रहेंगे, और आरबीआई के गवर्नर तो रहेंगे ही, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं इसके भी ये क्या होते हैं, अध्यक्ष होंगे, है ना। कोई भी डिसीजन जब लेना होगा तो यही क्या होंगे, उसके भी अध्यक्ष होंगे। अभी हम सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, पूरा के डिटेल पूरा पढ़ेंगे, अभी इसके बारे में तो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब क्या है, उनके अंडर में आते हैं। जो आरबीआई का गवर्नर होगा, आरबीआई का मुखिया तो है ही है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होगा उसका भी मुखिया होगा। एक सदस्य जो गवर्नर होता है, एक सदस्य वो दोनों में होता है, आरबीआई में भी रहता है और इसमें भी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी होता है, ठीक है ना। कहने का मतलब फिर से समझ लीजिए, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है ना, जो सबसे ऊपर में होता है आरबीआई के गठन में, तो जो गवर्नर होता है वो आरबीआई का मुखिया तो होता ही है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी मुखिया रहेगा वो, है ना। मतलब वो आरबीआई में भी रहता है और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी होता है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। वो कॉमन मैन है, दोनों में रहेंगे वो, और दोनों के वो अध्यक्ष होंगे, उन्हीं की अध्यक्षता में होगा सब चीज, है ना। जो भी बैंकिंग रिलेटेड काम जो भी होगा किसी भी इंस्टीट्यूशन में, बिना गवर्नर के अध्यक्षता के नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। किसी भी तरह का बैंकिंग का डिसीजन, बैंकिंग के इंस्टीट्यूशन भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है बैंक की, तो उनकी अध्यक्षता हमेशा गवर्नर ही करेंगे, है ना, तो ये याद रखना हम, ठीक है। आगे बढ़े, ये तो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर है आरबीआई का, स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है ना। ये देखिए यहां पे लिखा भी हुआ है कि भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर केंद्रीय बैंक, मतलब आरबीआई का, और का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और इसके केंद्रीय निदेशक मंडल, जो आपका सेंट्रल डायरेक्शन वाला जो काम है वो भी कौन करते हैं, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, आरबीआई के गवर्नर ही होते हैं, ठीक है ना। लिखा हुआ है यहां पे एक्स ऑफिशियो लिखा हुआ है, चेयर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, ठीक है ना, इसके भी अध्यक्ष कौन होंगे, आरबीआई के गवर्नर ही होंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसके अध्यक्ष अलग से कोई नहीं होते हैं, आरबीआई के गवर्नर ही होंगे एक्स ऑफिशियो, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। नोट करना है तो नोट कर लीजिए इसको, तो नोट कर लीजिए, या तो बाद में नोट कर लीजिएगा, आप हेडिंग डाल लीजिए, ये हेडिंग डालिएगा, आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल का गठन, जो सबसे ऊपरी संस्था है इसकी, उसका गठन कैसे होगा,
फॉर्मेशन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ आरबीआई, ये हेडिंग डालिए। फिर कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूं। ठीक है ना, नोट कर लिए। अब इसको नोट करिएगा, फिर ये लिखिएगा फॉर्मेशन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ आरबीआई, ये लिख लिए ना। इसके बाद आप इसको लिखिएगा, ये वाला पॉइंट लिख लीजिए। ये पॉइंट लिखिएगा, यह कैबिनेट सचिव के समकक्ष का रैंक होता है। कैबिनेट सचिव जो होता है उसके बराबरी का रैंक होता है। मतलब आपको मेन इसमें क्या याद रखना है, जो सेंट्रल बोर्ड डायरेक्टर जो होते हैं उनके मेन एक्स ऑफिसियो या अध्यक्ष कौन होते हैं, आरबीआई के गवर्नर ही होते हैं। आरबीआई के गवर्नर के रूप में भी रहते हैं और जो ऊपरी इनकी संस्था है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के, उसके भी ये अध्यक्ष होंगे। एक्चुअल में देखो, जब आरबीआई का गवर्नर ही सब कुछ है ना, जब आरबीआई का गवर्नर ही अगर सब कुछ है तो फिर आपको इस संस्था की क्या जरूरत है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। आरबीआई का गवर्नर ही सब चीजें, सब बैंकों के नियम बनाने के लिए, क्योंकि हमको मालूम है आरबीआई क्या करता है, रूल्स एंड रेगुलेशन का ही काम है। ये इंपीरियल बैंक की तरह बैंकिंग का काम तो नहीं करता, ये तो हमको अच्छे से मालूम है। मतलब एक ऐसी इंडिपेंडेंस संस्था है जिसका काम क्या है, सिर्फ बैंकों के लिए नियम बनाना पब्लिक के फेवर में। तो जब ये सब चीज के लिए आप गवर्नर सबसे उच्च है ना, सबसे हाई पावर में है, तो फिर इसकी क्या जरूरत है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। देखो, जो ये आरबीआई है, ये आरबीआई है, इसको ये जानकारी कहां से मिलेगी कि एक्चुअल में पब्लिक को किस चीज की जरूरत है, ये जानकारी कहां से मिलती है। उसके सारे काम काज को जो करता है यही फिर मैनेज करता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जैसे भारत में अगर बजट बन रहा है ना, तो बजट में किस संस्था के लिए हमको आरबीआई की तरफ से मदद करना है। जैसे क्या है, मान लो कोई बड़ी इंडस्ट्री है तो उसके भी जो बड़े पोस्ट में होंगे वो भी इसके सदस्य होते हैं भाई, वो भी तो अपनी तकलीफ बताएंगे ना। जैसे अंबानी हैं, उनको भी तो लगेगा ना कि हमारी इंडस्ट्री अच्छे से रन कैसे हो सके, तो इसके लिए हम कैसे मदद कर सकते हैं, आरबीआई हमारी क्या सहायता कर सकता है, ऐसी कौन सी पॉलिसी है जो आरबीआई हमको दे सकता है जिससे हमारा बिजनेस और अच्छे से चले। तो ये सब, ये इसमें क्या होते हैं, सारे मेंबर्स होते हैं इसमें, इस डायरेक्टर पोस्ट इसमें सारे मेंबर्स होते हैं, इसको अभी हम पढ़ेंगे है ना। तो इसलिए इसका गठन किया गया है कि भाई आरबीआई का जो है ना कामकाज, उसको भी एक अच्छे से दिशा देने के लिए एक ऐसा पद होना चाहिए जो इसमें मदद करेगा है ना। इसलिए गवर्नर के ऊपर में भी एक पद रखा गया है जिसको नाम दिया गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, ठीक है ना। और उसमें अलग अलग क्षेत्र के लोग होते हैं, उनका एक कार्यकाल फिक्स होता है, ठीक है ना। चलिए, इसलिए इसको स्थापित किया गया है।
फिर ये भी नोट करिएगा, ऊपर वाला पॉइंट नोट करिएगा, रिजर्व बैंक के, लिखिए मैं बोल रहा हूं, रिजर्व बैंक के कामकाज का संचालन एक केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। इस बोर्ड की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा आरबीआई अधिनियम, मतलब भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार की जाती है। आरबीआई एक्ट, ऐसा लिख लीजिए, आरबीआई एक्ट के अनुसार की जाती है। ठीक है ना, मतलब आरबीआई को भी मालूम होना चाहिए कि हमको जनता के हिसाब से कैसे काम करना है। तो इसमें सारे क्षेत्र के लोग इन्वॉल्व रहते हैं इस सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। ठीक है ना, चलिए अब देखिए ये हेडिंग डाल ली है ना आप, तो इसमें कितने सदस्य होते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में? 21 सदस्य होते हैं, नोट करिएगा। मैक्सिमम है ये, कोई जरूरी नहीं है कि 21 ही होंगे, ये मैक्सिमम है, 21 तक होने चाहिए। अभी 18 हैं, ठीक है ना, अभी 18 हैं, मतलब 21 से ज्यादा नहीं होंगे। इसीलिए बोला है कि भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम के अनुसार होता है, इसीलिए यहां पे लिखा है एक शब्द जो है ना, कि भारत सरकार तो नियुक्ति करेगी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, लेकिन किस हिसाब से करेगी? भारतीय रिजर्व बैंक के जो अधिनियम है, और उस अधिनियम में यह है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 21 मैक्सिमम अधिकतम सदस्य होंगे, है ना, उससे कम जरूर हो सकते हैं लेकिन मैक्सिमम 21 होंगे। अभी जैसे 18 हैं, ठीक है ना, तो 21 सदस्य होंगे, जिसमें से लिखिए 20 प्लस 1, ऐसे ही लिख लीजिए, 20 प्लस 1, ऐसे लिखिएगा, ऐसे ही लिख लीजिए। 20 में भारत सरकार से 12 होंगे और 8 आरबीआई से होंगे, और गवर्नर तो अभी आपको बताया कि दोनों में कॉमन होते हैं, एक जो है वो गवर्नर होंगे, वो आरबीआई के लिए भी होंगे और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के भी होंगे। 21 सदस्यों में 20 प्लस 1, 20 में भारत सरकार से 12 होंगे और 8 आरबीआई से होंगे, टोटल हो गए आपके 21 सदस्य। अब देखिए जहां पे नहीं समझ में आएगा क्लियर पूछ लीजिएगा ना, ऐसा बिल्कुल कंफ्यूजन लेके घर नहीं जाना है कि जो शब्द भी ना समझ में आए वो शब्द भी पूछ लीजिएगा कि इस शब्द का मतलब क्या है। इसीलिए मैं आपको क्लियर किया कि भारत सरकार नियुक्ति तो करेगी लेकिन आरबीआई का जो अधिनियम है उसी के अंतर्गत ही करेगी, और आरबीआई के अधिनियम में है कि मैक्सिमम सदस्य आपके 21 होंगे, मैक्सिमम, ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं है कि 21 से कम होंगे तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है, मैक्सिमम 21 तक जाने चाहिए, ठीक है ना। तो जो ऑफिशियल डायरेक्टर्स हैं इसके, उसमें एक पूर्णकालिक गवर्नर होगा और अधिकतम 4 उप गवर्नर होते हैं। ये आरबीआई के एक्ट 8(1)(a) में लिखा है, इसको नोट करिएगा।
जो आरबीआई से जो 8 मेंबर्स निकलेंगे उसमें जो आधिकारिक निदेशक जो ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं उसमें एक पूर्णकालिक गवर्नर होगा और अधिकतम 4 उप गवर्नर होंगे, डिप्यूटी गवर्नर होंगे। और ये आरबीआई की कौन सी धारा में लिखा है? 8A में, 8A में लिखा है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन आ गया कि ये 1935 की बात हो रही है, ठीक है ना, कि आरबीआई में एक फुल टाइम गवर्नर होगा और 4 डिप्यूटी गवर्नर होंगे, ये आरबीआई की एक्ट 8A में लिखा है ये, ठीक है ना, ठीक। चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए, एक रिजर्व बैंक तो हो गया, उसके क्या होते हैं, अब एक लोकल बोर्ड भी होते हैं। लोकल बोर्ड होते हैं जो चारों दिशाओं में है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। देखिए, पूर्वी क्षेत्र मतलब पश्चिम बंगाल में एक लोकल बोर्ड है, फिर पश्चिमी क्षेत्र मतलब महाराष्ट्र में एक आरबीआई का ही लोकल बोर्ड है वहां के लिए, फिर उत्तरी क्षेत्र मतलब दिल्ली में भी है, और फिर दक्षिणी क्षेत्र मतलब चेन्नई, पहले मद्रास अब चेन्नई में भी है, ठीक है ना। इन चारों के प्रत्येक में 5 सदस्य होंगे। ये जो 4 बोर्ड हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उस बोर्ड में 5 सदस्य होंगे, ठीक है ना। फिर सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ठीक। आगे देखिए, ये सदस्य 4 साल के अवधि तक अपने पद पे बने रहेंगे, ठीक है ना। फिर इन चारों क्षेत्रों के जो 5 सदस्य हैं उनमें से एक एक सेंट्रल बोर्ड के सदस्य होंगे, ठीक है ना। मतलब कितना हुआ? 4 आपके डिप्यूटी डायरेक्टर हो गए और 4 कौन हो गया आपका, ये जो लोकल बोर्ड है यहां से सदस्य हो गए, तो कितने हो गए टोटल? 8 हो गए। और आरबीआई कितने सदस्य देता है? 8 देता है। यहां से आरबीआई का रोल खत्म हो जाता है सदस्यों का, ठीक है ना। नोट करिएगा, इसमें से नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, बोल दूं। चलिए नोट करिए, लोकल बोर्ड डालिएगा, स्थानीय बोर्ड, ये सब आरबीआई के ना काम को अच्छे से चलने के लिए इन सब का गठन किया जाता है, ठीक है ना, इनका रोल यही होता है। तो इसमें भी स्थानीय बोर्ड है, देखिए पूर्वी क्षेत्र ब्रैकेट में लिखिएगा पश्चिम बंगाल, पूर्वी क्षेत्र पश्चिम बंगाल, फिर कॉमा लगा के लिखिएगा पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र महाराष्ट्र, उत्तरी क्षेत्र दिल्ली, दिल्ली, और दक्षिणी क्षेत्र, और दक्षिणी क्षेत्र ब्रैकेट में चेन्नई लिख लीजिएगा। चेन्नई के लिए, चेन्नई लिख लिए ना, भी बोर्ड बनाए गए हैं, के लिए भी बोर्ड बनाए गए हैं, तो इन्हीं को लोकल बोर्ड कहा गया है। जो चारों दिशाओं में एक बोर्ड बनाया गया है इनको लोकल बोर्ड कहा गया है, ठीक है ना। आगे लिखिएगा, अच्छे से लिखिएगा, इन चारों के या इन चारों में प्रत्येक में 5 सदस्य होते हैं, इन चारों में प्रत्येक में मतलब पूर्वी, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में प्रत्येक में 5 सदस्य होंगे, ठीक है ना, नोट कर लिए। आगे लिखिएगा, सदस्यों की नियुक्ति, इनके जो 5 सदस्य हैं इनकी नियुक्ति कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, केंद्र सरकार करेगी। ये जो 5 सदस्य हैं इनका जो कार्यकाल है वो कितने साल के लिए रहेगा? 4 साल के लिए रहेगा, ये भी नोट करिएगा, इन सदस्यों का कार्यकाल 4 साल के लिए होता है। ठीक है ना, इन सदस्यों का कार्यकाल कितने साल के लिए होगा? 4 साल के लिए होगा, ठीक है। आगे लिखिएगा, इन चारों क्षेत्रों के
पांच सदस्यों में से एक एक है ना, एक एक सेंट्रल बोर्ड के सदस्य होते हैं, सेंट्रल बोर्ड के सदस्य होते हैं। हो गया क्लियर? ठीक है ना। जनरली क्या होता है, इन पांचों में भी जो उनका हेड होता है वही सदस्य होता है, जनरली ऐसा होता है, ठीक है ना। इस लेकिन ये डिपेंड करता है उनकी कंडीशन पे, इसीलिए यहां पे ऐसा नहीं लिखा है, क्योंकि वो लिख देने से ऐसा लगता है फिर वही होंगे, है ना। ये डिपेंड करता है उनके कंडीशन पे, उनके सिचुएशन पे, पर जनरली यही होता है कि जो उनका हेड होता है ना वही सदस्य होता है। क्लियर है? क्लियर है ना। ठीक, चलिए अब आगे लिखिएगा गैर सरकारी निदेशक। आप अभी यहां पे लिखे ना, ये लिखे आधिकारिक निदेशक हो गए, ऑफिशियल डायरेक्टर्स हो गए, ठीक है ना, उसमें आरबीआई के आ गए। अब देखिए, अब लिखिएगा गैर सरकारी निदेशक, मतलब नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स। आरबीआई के तो रहेंगे 8, ये कंपलसरी है, ठीक है ना। अब ये जो इनको कह रहे हैं नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सरकार पे डिपेंड करते हैं कि वो किसको नॉमिनेट करेगी, इसलिए नॉन ऑफिशियल होते हैं। लिखिएगा सरकार द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों से 10 निदेशक, सरकार द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों से 10 निदेशक और दो सरकारी अधिकारी होंगे, वो भी जो दो सरकारी होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, आर्थिक मामलों के सचिव होंगे और वित्त सेवा सचिव होंगे, मोस्टली यही होता है, ठीक है ना। कौन होते हैं वो, इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी होंगे या फाइनेंशियल सर्विस सेक्रेटरी होंगे। भाई आरबीआई का काम क्या है, पॉलिसी बनाना ही तो है ना, इसलिए जो फाइनेंशियल अफेयर सेक्रेटरी और फाइनेंशियल सर्विस सेक्रेटरी होंगे मोस्टली यही होंगे, यही जो ऑफिसर हैं वो होते हैं। अब जो 10 और अपॉइंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो अलग अलग क्षेत्र के होते हैं, या तो कोई बहुत अच्छे इकोनॉमी के प्रोफेसर होंगे बहुत अच्छे, या तो आपको जैसे मान लो रतन टाटा हो गए, इस समय आपके क्या है आनंद महिंद्रा है इसमें, है ना, महिंद्रा के जो चेयरमैन है ना वो है इस समय इस बोर्ड में। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्रों को क्या किया जाता है इसमें, गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, क्यों, उनकी पॉलिसी बनाने में उनको मदद मिले, ताकि है ना सभी क्षेत्रों की उसमें उनकी भागीदारी हो, ठीक है ना। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन करता है, उसमें 10 क्या होंगे, डायरेक्टर्स होंगे और 2 सरकारी अधिकारी होंगे, 8 आरबीआई से होंगे, ठीक है ना। तो देखिए, एक गवर्नर प्लस 4 उप गवर्नर प्लस 4 स्थानीय बोर्ड से हो गए, 10 भारत सरकार से हो गए और 2 सरकारी अधिकारी हो गए, कितने हो गए टोटल, 21 हो गए, ठीक है ना, टोटल 21 हो गए। ये जो गवर्नर है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के भी मुखिया होंगे और आरबीआई के तो होते ही हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत है, कोई पॉइंट है जो नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ है क्या, आपको कंफ्यूजन लग रहा है कहीं पे, आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन है क्या, किसी शब्द को लेके, किसी टॉपिक को लेके,
आपको ये भी मैं बता दिया कि ये नन ऑफिशियल क्यों है और वो ऑफिशियल डायरेक्टर्स क्यों है, क्योंकि आरबीआई की जो धारा है कौन सी 8(1)(a), इसमें ये क्लियर लिखा है कि आरबीआई में एक गवर्नर होंगे और चार डिप्यूटी गवर्नर होंगे। ये उसके संविधान के हिसाब से है आरबीआई का, है ना, इसलिए ये क्या है पूरी तरह से ऑफिशियल है। जो नॉन ऑफिशियल है ये क्या होते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, अपने मन से नियुक्त किए जाते हैं कि हमको किस किस क्षेत्र से किनको रखना है, है ना। जैसे अभी आनंद महिंद्रा हो सकता है, रतन टाटा भी हो सकते हैं, मतलब ऐसे कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े ना, कोई दिक्कत है कहीं पे? चलिए एक बोर्ड और होता है जिसको हम कहते हैं बीएफएस, बीएफएस वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड, हेडिंग डालिएगा। एक बोर्ड और होता है जिसको हम कहते हैं बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन, लिखिएगा। ये ऐसा कुछ बहुत इसमें ऐसा नहीं कि आपको समझाना पड़े, नोट करिए मैं आपको बताता हूं। हेडिंग डाल लीजिएगा वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड, इंग्लिश में भी लिखिएगा ना, बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन बीएफएस, इंग्लिश में भी लिखिएगा, लिखिए। इसका गठन नवंबर 1994 में भारतीय रिजर्व बैंक ब्रैकेट में लिखिएगा वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड विनियम, देख लीजिएगा वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड विनियम, मतलब जो एक्ट है 1994 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की एक समिति के रूप में किया गया था, देखिए क्या होता है ना, जो चार डिप्टी गवर्नर होते हैं ना उनको भी अलग अलग, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक गवर्नर होगा और चार डिप्टी गवर्नर होगा, ऐसा नहीं है। जो चार डिप्टी गवर्नर होते हैं ना उनके भी अलग अलग काम होते हैं, वो भी किसी किसी बोर्ड के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, तो उनमें से ही ये क्या होंगे, एक अध्यक्ष होंगे, चार डिप्टी गवर्नर, तो वो उसमें आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में नियुक्त होते हैं, है ना। तो इसीलिए लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की एक समिति के रूप में किया गया था, और जो डिप्टी गवर्नर है उनमें से ही कोई एक उनमें से सदस्य भी रहेंगे, है ना, वो सेंट्रल बोर्ड में ऑलरेडी होंगे, ठीक है ना। तो इसके जो अध्यक्ष होंगे वो उन चार डिप्टी गवर्नर में से कोई भी एक हो सकते हैं, ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या है, जो बीएफएस है उसका उद्देश्य क्या है, लिखिए उद्देश्य लिख लीजिए। इसका प्राथमिक उद्देश्य वाणिज्य बैंकों, मतलब जो कमर्शियल बैंक है, वाणिज्य बैंकों, वित्तीय संस्थानों और गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों जिसको क्या बोलते हैं, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है ना। ये आपको बताया था इससे पहले मैं, दो अलग अलग एक
याद करिए, याद है ना, उनमें से इसको बताया था कौन कौन होती हैं, ठीक है ना। खैर आगे पढ़ेंगे भी, नहीं तो जाके देख लीजिएगा। से युक्त, से ये लिख लिया ना, गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों से युक्त वित्तीय क्षेत्र का, वित्तीय क्षेत्र का समेकित पर्यवेक्षण करना है, समेकित पर्यवेक्षण करना है, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है, इनको ये क्या करता है, सुपरविजन करता है इनका, ठीक है ना। ये जो फाइनेंशियल बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन है, इनका इसका काम क्या है, जो आपका कमर्शियल बैंक हो गया, कमर्शियल बैंक हो गया, और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और जो एनबीएफसीज हैं, उनके क्या करता है, ये सुपरविजन करता है, ठीक है ना। आगे लिखिएगा, वित्तीय प्रणाली पर, वित्तीय प्रणाली पर पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षण और निगरानी को, और निगरानी को मजबूत करने तथा पर्यवेक्षी नीति, देख लीजिए ये लिखा है, पर्यवेक्षी नीति और कौशल पर, अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए, बीएफएस की स्थापना की गई, ठीक है ना। इसका काम मेनली क्या है, सुपरविजन करना है, ठीक है। कमर्शियल बैंक हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, एनबीएफसीज हो गए, इनके लिए क्या करता है, इनका सुपरविजन करता है ये, ठीक है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखिए, फंक्शन ऑफ आरबीआई, आरबीआई के कार्य। इसमें बहुत सारी चीजें आपको मालूम है, क्योंकि जब मैं आरबीआई पढ़ा रहा था आपको, शुरू में इंट्रोडक्शन दिया था, तो ये बताया था आपको, इसमें बहुत सारी चीजें आपको मालूम है, जो नहीं मालूम है उसको मैं बताता हूं। आरबीआई के कार्य लिखिए, सेंट्रल बोर्ड का गठन कैसे हुआ है, ये आपको क्लियर हो गया ना, है ना, ये क्लियर हो गया ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद लिखिएगा आरबीआई का कार्य, पहला समझते भी चलेंगे ना, पहला सरकार का बैंकर, ये तो कई बार आप लोग को बताया हूं, बताने की जरूरत है दोबारा, सरकार का बैंकर कई बार बताया हूं, ठीक है ना, मालूम है आपको कि कंफ्यूजन है कहीं पे, ठीक है ना। केंद्र और राज्य सरकारों के लिए मर्चेंट बैंकिंग का कार्य करता है, कैसे करता है ये आपको सब मालूम है, बताया हूं, ठीक है ना, उनके बैंकर के रूप में भी कार्य करता है ये, ठीक। तो आरबीआई के कार्य में पहला लिख लीजिएगा, सरकार का बैंकर है ये, मतलब बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, क्लियर है ना, ये इसमें कंफ्यूजन है कहीं पे, फिर से बता दूं क्या, ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है ये। जैसे मैं बताया था कि कोई भी ऐसा अनाउंसमेंट होता है जो जैसे प्रधानमंत्री कर दिए, बहुत बड़ी आपदा आ गई कि भाई इतने करोड़ रुपए राशि दिया जाएगा, तो ये सब मैनेज कौन करता है, आरबीआई करता है, बताया था। फिर बताया था कि अगर सेना को
कोई भी हथियार खरीदना है, मान लो हेलीकॉप्टर ही खरीदना है, तो ये सिर्फ गवर्नमेंट तो बजट बता देती कितने के आएंगे, जैसे राफेल हो गया, सरकार ने क्या किया, बजट बता दिया भाई इतने का एक पड़ेगा। इन सब का जो हिसाब किताब है, पैसे का जो लेन देन करेगा, वो किसके अंडर में होगा, आरबीआई के अंडर में होगा। जैसे ऑयल वगैरह हम फॉरेन से खरीदते हैं, अरब कंट्री से जो आ रहे हैं, तो ऐसे तो दे नहीं रहा है, वो पर गैलन के हिसाब से देता है वो, तो जो रेट जो होते हैं इसका भी लेन देन सब किसके अंडर में होता है, आरबीआई करता है, ये काम होता है आरबीआई का। सेम चीज राज्य सरकार के लिए भी होता है। राज्य सरकार में क्या है, ऐसा कुछ घोषणा करती है किसी संकट के समय में, तो ये सारी चीजों का देखरेख सब आरबीआई ही करता है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, मर्चेंट बैंकिंग होता है ये। इन सब का मुखिया कौन होगा, मतलब आरबीआई ही इन सबको देखरेख करता है इन सबका, ठीक है ना, इसलिए इसको कहते हैं सरकार का बैंकर है ये। ऐसे ही उठा के पैसा सरकार नहीं दे देती है, योजना की बात अलग है, लेकिन जो कोई आपदा विपदा में या कोई किसी बड़े कामों में, जैसे रक्षा उपकरण खरीदना है, ऑयल आ रहा है, और भी जो भी बड़े बड़े काम हैं, इन सब को पैसे का लेन देन, इनका हिसाब किताब सब आरबीआई करता है ना, इसलिए इसको कहते हैं सरकार का बैंकर, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखिएगा, बैंकों का बैंकर है, बैंकों का बैंकर, सभी जो शेड्यूल बैंक हैं उनके बैंकिंग का, बैंकिंग खातों को ये बनाए रखता है। सारे बैंकों का अकाउंट कहाँ है, आरबीआई में, ठीक है ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बैंकों का बैंकर कहते हैं, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट नोट करिएगा, अंतिम ऋणदाता, लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है ना, LOLR, शॉर्ट फॉर्म में इसको LOLR भी कहते हैं, ठीक है ना, लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। संकट के समय अनुसूचित वाणिज्य बैंक वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आरबीआई से संपर्क करते हैं। किसी भी तरह का कोई संकट आ गया कमर्शियल बैंकों को, शेड्यूल कमर्शियल बैंकों को, तो वो क्या करते हैं, फाइनली आरबीआई से हेल्प लेते हैं। क्योंकि आपको मालूम है सीआरआर एसएलआर वगैरह पढ़ाया हो ना, तो ये जो बैंक जो होते हैं ना, वो सब कुछ अमाउंट क्या करते हैं, आरबीआई में जमा करते हैं। तो जब क्या होता है, इनको लगता है कि कुछ हमारे ऊपर संकट है, तो ये किससे मदद लेते हैं, फिर फाइनली जब सबसे मदद मांग लिए, तो फाइनली ये आरबीआई से मदद लेते हैं। और ऐसा करने का हक इनको आरबीआई अधिनियम धारा 18 में दिया गया है, ठीक है ना, जो आरबीआई का एक्ट है 18, ये इनका क्या है, राइट है, ये ऐसा करेंगे ये, ठीक है ना। और ये राइट किस में लिखा है, आरबीआई का जो अधिनियम है, अधिनियम 18 में है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। LOLR कभी कभी एग्जाम में आया है, शॉर्ट फॉर्म यही लिखा रहता है LOLR, सेक्शन है आपका आरबीआई 1935 की धारा है 18। इस धारा में ये इनको हक मिला है कि कमर्शियल, जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं, उनको अगर किसी तरह की समस्या है, कोई संकट आता है, तो वो फाइनली आरबीआई से क्या कर सकते हैं, मदद मांग सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। क्लियर है, कोई समस्या है, ठीक है ना। अगला पॉइंट, विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक, विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है ये। जैसे फॉरेन से भी अगर कुछ लेन देन हो रहा है ना, तो उसका भी ये क्या करता है, ये संरक्षक है। पैसों का जहां भी कोई लेन देन हुआ, कमर्शियली लेन देन, तो उन सब का जो है संरक्षक कौन करता है, आरबीआई करता है। ये हम बाद में पढ़ेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना, कैसे कैसे ये करता है। फेरा एक्ट होता है, फेमस फेरा एक्ट हुआ, वो सब हम पढ़ेंगे अभी बाद में, 1999 में फेरा एक्ट था, उसके तहत ये करता है, ये बाद में पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, हेडिंग डाल लीजिएगा, ये भी पढ़ेंगे, मतलब पॉइंट डाल लीजिएगा, ऋण या मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रक, ये अभी हम इसके बाद का जो टॉपिक रहेगा आगे इसको पढ़ेंगे, ऋण या मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रक।
छठवां पॉइंट तो आपको मालूम ही है, बैंकों का नियामक है ये आरबीआई एक्ट 1934 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है 1949 द्वारा सशक्त, इसके पास ये पावर है, ठीक है ना। ये भी लिख लीजिएगा, बैंकों का नियामक है ये तो हमको मालूम है। मतलब जो आरबीआई है ना वो क्रेडिट या मनी का सिर्फ सप्लाई को मैनेज कर सकता है, सप्लाई मैनेज कर सकता है, बाजार के डिमांड को मैनेज नहीं कर सकता। ये हम बाद में पढ़ेंगे, ये अलग से एक टॉपिक पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। इसलिए ये पॉइंट नोट करिएगा आप, ये आपको मालूम है जो छठवां पॉइंट है बैंकों का नियामक, ये तो आपको मालूम है तो हम शुरू से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट नोट करिएगा, क्लियरिंग हाउस, ये भी आपको बताया था, इट एक्ट एज क्लियरिंग हाउस। कैसे क्लियरिंग हाउस के जैसे काम करता है ये भी आरबीआई का काम है, या दो बैंकों के बीच क्लियरिंग हाउस के रूप में काम करता है। जैसे आपका मान लीजिए चेक है ना, तो आपका जो चेक है किसी दूसरे बैंक का चेक है, तो उन दोनों को आप कहीं और जाके चेक जमा किए जहां आपका अकाउंट है, और जिसने आपको दिया वो किसी और बैंक का है, ठीक है ना। तो जो क्लियरिंग हाउस, जो बोलते नहीं बैंक वाले कि दो घंटे में आ जाएगा, तीन घंटे में आ जाएगा, तो उन दोनों के बीच का जो टाइम, जो सेटलमेंट टाइम होता है वो आरबीआई करता है। वो क्लियरिंग का काम कौन करता है? आरबीआई करता है। और यूपीआई ट्रांजेक्शन, अगर आपका यूपीआई ट्रांजेक्शन और भी है इसमें, यूपीआई ट्रांजेक्शन मतलब अगर आपका पैसा फेल हो गया है, अब फेल हो गया है कितना अमाउंट है, ये सब का काम कौन करता है? आरबीआई करता है ना। इसलिए क्लियरिंग हाउस करता है दो बैंकों के बीच का, क्योंकि भाई आप मान लो एसबीआई का आप यूपीआई यूज कर रहे हो और पैसा ट्रांसफर कर रहे हो किसी पेटीएम वगैरह में या किसी दूसरे कंपनी दूसरे बैंक के यूपीआई में, आपका पेमेंट अटक गया है ना, तो जैसे अगर रिवर्स हो रहा है वो पैसा आपके अकाउंट में, तो ये सब का काम कौन करता है? आरबीआई करता है ना। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, ये क्लियरिंग हाउस का भी काम करता है ये। कई बार क्या होता है, एटीएम अगर आप अगर जाएंगे तो आपको क्या दे दिया जाता है, पर्ची निकल जाती है, कई बार पैसा नहीं आता है, या आपने अगर पैसा जमा करने जाते हैं, आजकल एटीएम से पैसा जमा भी होता है, जमा करने जाते हैं तो कई बार पैसा अटक जाता है, जो अमाउंट रहता है वो आपका उतना आपको कई बार अकाउंट में नहीं शो होता है। तो इन सब चीज़ों का, सब चीज़ों का निपटारा कौन करता है? आरबीआई करता है कि भाई ऐसा ऐसा मामला था इसको देखो, है ना। ये सब क्लियरिंग हाउस का काम कौन करता है? आरबीआई करता है। ये आप लोग के लिए नया है, लिख लीजिएगा, करेंसी चेस्ट की जिम्मेदारी, ये भी आरबीआई का एक बहुत मुख्य काम है, करेंसी चेस्ट। देखो समझ लो इसको, ये होता क्या एक्चुअल में, करेंसी चेस्ट की जिम्मेदारी। असल में होता क्या है, जैसे नोट प्रिंट तो हो गया, अब क्या सभी बैंकों में पहुंचाने का काम करेगा क्या वो आरबीआई? आरबीआई क्या करता है, किसी एक ब्रांच को या किसी एक शहर, किसी एक ब्रांच को क्या करता है, करेंसी चेस्ट के रूप में उसको घोषित कर देता है, ये करेंसी चेस्ट होगा। अब आरबीआई क्या, नोट प्रिंट हुआ तो करेंसी चेस्ट में जाएगा पैसा, वहां से बैंकों में जाएगा, ठीक है ना। आप एटीएम जाते हो तो जो नए नए नोट मिलते हैं वो कहां से आते हैं? करेंसी चेस्ट से ही आते हैं सारी चीज, हर बैंकों में एक एक, अब यहां पे एसबीआई, बगल में फिर कैनरा, नीचे में आईसीआईसी बैंक है, तो हर बैंक में आरबीआई पैसा नहीं पहुंचाता है ना। करेंसी चेस्ट एक मतलब डिपो जैसा रहता है, वहां पे पैसा वो जाता है, फिर वहां से सारे बैंकों में सप्लाई होता है। ये काम होता है करेंसी चेस्ट का। जो नोट आप बदलते हैं, फटे नोट बैंकों को देते हैं ना, आपको बैंक उसके बदले में नया नोट देता है, वो फटे नोट कहां जाते हैं? वापस जाते हैं कहां? करेंसी चेस्ट में जाते हैं। फिर उसको आरबीआई क्या करता है, ठीक करके फिर से उसको प्रचलन में ले आता है ना। तो ये सारी चीजें कहां होती है? करेंसी चेस्ट। एक क्या होता है, डिपो जैसा होता है, उसको हम कमर्शियल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? करेंसी चेस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। ये होता है करेंसी चेस्ट। समझ में आया ना कि करेंसी चेस्ट का काम क्या है? समझ में आया। आरबीआई का जो पैसा आता है प्रिंट होने के बाद,
वो हर बैंकों में नहीं जाता है, एक डिपो जैसा होता है जो आरबीआई उसको घोषित करता है, यह हर शहरों में होता है ना। तो आरबीआई घोषित किया कि ये करेंसी चेस्ट है, तो पैसा वहां से वहां आएगा, फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूट होता है। एटीएम में पैसा डालते देखे हो ना आप लोग, देखे हो ना, गाड़ी से आता है, दो ठो बंदूकधारी निकलते, इतना बड़ा पेटी आता है, वो काम कौन करता है? करेंसी चेस्ट के माध्यम से, ठीक है ना। देखिए करेंसी चेस्ट लिख लीजिए, चलिए लिखिए, बोल रहा हूं अब समझ में आ जाएगा आप लोग को। करेंसी चेस्ट आरबीआई का एक डिपॉजिटरी है, जहां डिपॉजिटरी मतलब आरबीआई वहां पे पैसा जमा करता है ना, आरबीआई वहां पैसा रखता है, जहां बैंकों और एटीएम के लिए, बैंकों और एटीएम के लिए अतिरिक्त धन जमा किया जाता है, अतिरिक्त धन जमा किया जाता है। ठीक है, अतिरिक्त धन जमा किया जाता है, ठीक है। आगे लिखिए, ये करेंसी चेस्ट, ये करेंसी चेस्ट भारतीय बैंकों की चुनिंदा शाखाओं के परिसर में स्थित है, चुनिंदा शाखाओं की परिसर में स्थित है। ये आरबीआई ही डिसाइड करता है कि हमको किस शाखा में करेंसी चेस्ट बनाना है, ठीक है ना। अगला पॉइंट ये आपके जानने के लिए है, करेंसी चेस्ट में जमा किया गया पैसा आरबीआई का होता है, करेंसी चेस्ट में जमा किया गया पैसा आरबीआई का होता है। ये इंटरव्यू के हिसाब से पूछ सकता है कि भाई जो करेंसी चेस्ट में जो पैसा है वो आरबीआई का है या बैंकों का पैसा होता है ना। तो आपको यही बताना है कि करेंसी चेस्ट में जो पैसा जमा है वो आरबीआई का है, जबकि स्ट्रांग रूम में, स्ट्रांग रूम हर बैंक में होता है, स्ट्रांग रूम होता है जहां पे वो पैसा रखते हैं बैंक के लिए, है ना। स्ट्रांग रूम में जमा किया गया पैसा बैंकों का होता है, जबकि स्ट्रांग रूम में जमा किया गया पैसा बैंकों का होता है, करेंसी चेस्ट का पैसा आरबीआई का होगा, क्योंकि आरबीआई ही डिसाइड करता है कि किस बैंक के शाखा में, परिसर में हमको क्या करना है, करेंसी चेस्ट बनाना है, ये आरबीआई डिसाइड करता है। तो वो पैसा किसका होगा? आरबीआई का होगा। स्ट्रांग रूम में जो पैसा रखाया रहता है वो किसका होता है? बैंकों का होता है, ठीक है ना। और इसमें से आपको क्या नोट करना है, जब भी कोई नया नोट छपता है तो आरबीआई के कार्यालयों में, और वहां से आरबीआई के पहले हेडक्वार्टर में जाएगा, फिर वहां से कहां जाएगा? करेंसी चेस्ट में पहुंचेगा। ये नोट करना है तो नोट कर लीजिए। फिर लास्ट वाला पॉइंट नोट कर लीजिएगा, आरबीआई के जो प्रतिनिधि रहेंगे समय समय पर इन चेस्टों का निरीक्षण करते हैं और एक रिकॉर्ड रखते हैं जिसे वे अपने वरिष्ठ अधिकारी के साथ साझा करते हैं। ये लास्ट वाला पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा। करेंसी चेस्ट का तो आपको बता दिए क्या उसका रोल क्या है। लास्ट में आप ये नोट कर लीजिएगा कि आरबीआई के प्रतिनिधि समय समय पर
ये जो करेंसी चेस्ट होते हैं इनका निरीक्षण करते हैं, आरबीआई के ही प्रतिनिधि होंगे, ठीक है ना, एक रिकॉर्ड रखते हैं, और जिसे वो अपने ऊपर के अधिकारी जो होते हैं, वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, उनके साथ क्या करते हैं, शेयर करते हैं, साझा करते हैं, ठीक है ना, कितने नोट दिए, कितने फटे नोट आए, क्या कैसा हिसाब है, ये सब चीज़ को क्या करते हैं, अपने सीनियर ऑफिसर से शेयर करते हैं इन सब चीज़ों को। ना तो ये सब चीजें क्या है, आरबीआई के काम है, ये सब काम आरबीआई करता है, ठीक है ना। तो इंटरव्यू में अगर क्वेश्चन पूछेगा करेंसी चेस्ट के बारे में, तो आप बताइएगा कि करेंसी चेस्ट क्या होता है, तो आप बताइएगा सर आरबीआई नोट प्रिंट करने के बाद आरबीआई के हेडक्वार्टर में जाता है, फिर वो हेडक्वार्टर से जो पैसा होता है डायरेक्ट बैंकों में नहीं जाता है, करेंसी चेस्ट में जाता है, फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है। और फिर बताइएगा कि आरबीआई में जो अगर पूछा कि वहां पे जो पैसा जमा है करेंसी चेस्ट में, वो किसका पैसा होता है, क्योंकि कटे फटे नोट क्या होते हैं, बैंकों द्वारा भेजे जाते हैं, तो एक कंफ्यूजन हो सकता है ना कि भाई बैंकों द्वारा जब कटे फटे नोट भेजे गए हैं तो ये हो सकता है बैंकों का पैसा हो, नहीं, करेंसी चेस्ट में अगर चला गया तो वो किसका पैसा है, आरबीआई का पैसा। फिर आरबीआई उसको रिसाइकल करता है पैसों को, कटे फटे नोट को फिर से उसको सर्कुलेट करके मार्केट में ले आता है, है ना। तो ये करेंसी चेस्ट का पैसा आरबीआई का होता है, स्ट्रांग रूम में रखा हुआ पैसा आपको किसका है, बैंक का है, ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, यही आरबीआई ही डिसाइड करता है कि किस परिसर को हमको करेंसी चेस्ट के रूप में बनाना है, ये आरबीआई डिसाइड करता है, उसका पावर है ये, ठीक है ना। फिर आरबीआई के इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, अधिकार प्रतिनिधि होंगे, वो समय समय पे आएंगे, निरीक्षण करेंगे, हिसाब किताब देखेंगे, वहाँ का रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, और फिर अपने से सीनियर अधिकारी को जाके इसका हिसाब किताब के बारे में बताते हैं वो, ठीक है ना, ये जनरल बातें हैं ये। हाँ, बैंक वहां भेज देगा उसको करेंसी चेस्ट में, फिर वो आरबीआई क्या करता है, उसको रिसाइकल करता है, ठीक है, फिर वो मार्केट में हमारे पास फिर से नोट, नए नोट बन के आ जाते हैं वो, है ना भाई, कहीं ना कहीं बताया ना, डिपो जैसा है ये, डिपो है ये, है ना, आप कोई सामान लिए नहीं पसंद आया तो डिपो में भेज दिए वापस, ये समझिए कि आप जैसे अमेजन या फ्लिपकार्ट से कोई सामान लिए ना, आपको नहीं पसंद आया, रिटर्न कर दिए, कहां जाएगा वो, अमेजन या फ्लिपकार्ट में ही जाएगा, उनका जो पहले एक डिपो होता है, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट होता है, देखिएगा आप कहीं अगर देखे होंगे तो, फ्लिपकार्ट से डायरेक्ट सामान आपके घर में नहीं आता है, एक उनका भी क्या होता है, स्टोर होता है हर शहरों में, बिलासपुर में भी कई जगह हैं, छोटे छोटे एक छोटा सा दुकान को किराए में ले लिए रहते हैं, और वहां पहले फ्लिपकार्ट या अमेजन सामान भेजता है ना, वहां से क्या होता है, वापस वहां चले जाता है, सेम चीज, मतलब मेन जो फ्लिपकार्ट अमेजन का स्टोर होगा वहां चले जाएगा, सेम चीज आरबीआई का है, समझिए क्या होता है, आरबीआई से पहले पैसा हेडक्वार्टर में आएगा, फिर वो करेंसी चेस्ट में आएगा, रिटर्न जहाँ हो रहा है तो करेंसी चेस्ट से फिर आरबीआई के जो नोट प्रिंट वाले इंस्टीट्यूशन है वहाँ जाएगा, वो अभी हम पढ़ेंगे, तो रिसाइकल होता है फिर से मार्केट में आ जाता है, सेम चीज़ है, रिटर्न पॉलिसी अमेजन फ्लिपकार्ट जैसा, ठीक है ना, क्लियर है ना। चलिए ये नोट करिए, फिर कल पढ़ेंगे आरबीआई के जो 5 प्रशिक्षण केंद्र है, इसको हम बाद में कल पढ़ेंगे फ्रेस माइंड से, अभी आप ये पॉइंट नोट करिए, ये मैं आपको समझाता हूं कि आरबीआई अधिनियम की जो धारा है, ये 1934 वाली बात हो रही है सब यहां पे, कि धारा जो 17 है वो आरबीआई को बैंकिंग व्यवसाय करने का, आरबीआई की धारा 17 आरबीआई को बैंकिंग व्यवसाय करने का अधिकार देती है,
बहुत सारी चीजें होती हैं जो बैंक आपको नहीं बताता है। भाई मैं आपसे इतने दिन से जो बैंकिंग जब पढ़ाना स्टार्ट किया अभी 2-3 दिन से यही बोल रहा हूँ, नोट कर लिए ना आप लोग, नोट किए, यही चीज़ बोल रहा हूँ कि जितना अच्छा बैंक से आपका रिलेशन होगा बैंक आपके फेवर में उतना काम करता है। कहने का मतलब इंटरेस्ट उसके ऊपर कई बार बैंक के जो मैनेजर होते हैं उन पर डिपेंड करता है कि वो कितना लगाएं, लेकिन एक लिमिट होता है वो आपको नहीं बताया जाएगा। भाई मान लो दूसरे लोगों को 10% पे लोन दिया है, हो सकता है आपको 9% या 8 point something में आपको लोन दे दे। मैक्सिमम क्या होगा, वहां का जो मैनेजर होगा ना उसको बोला जाएगा कि भाई आप 7 से नीचे तो आ ही नहीं सकते, ये तो RBI फिक्स कर दिया 7 से नीचे आप नहीं आ सकते, ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, है ना। ये 10 से लेकर 7 तक आने के बीच का जो आपका रिश्ता है बैंक और आपके बीच में, ये क्या करता है, हम और जो मैनेजर होते हैं वो डिसाइड करेंगे कैसा हमारा रिश्ता है। तो व्यवसाय यही होता है, जितना अच्छा आपसे रिश्ता है उतना अच्छा आप बैंकिंग सर्विस ले सकते हैं। यही जो व्यवसाय करने का जो सेक्शन है वो धारा 17 में नोट किया गया, दिया गया है RBI की जो धारा है। तो RBI की धारा जो 17 है वो यही चीज बताता है कि आप व्यवसाय कर सकते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आप बेच रहे हैं तो कैसे अच्छे से अच्छे आप लुभावने तरीके से बेच सकते हैं, ये व्यवसाय होता है। बिल डिस्काउंटिंग जो आपको बताया था, बिल डिस्काउंटिंग जिसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है आपका 90 दिन की होती है। अब एक्जिम बैंक हम पढ़े हैं वो क्या कर सकता है, 90 दिन से भी एक्सटेंड कर सकता है। ये क्या है, व्यवसाय है, व्यवसाय है, आपको थोड़ा फायदा हो जाए, यही होता है व्यवसाय, ठीक है ना। तो इसको, ये अनुमति इसको कहां से मिलती है, RBI की एक्ट है जो 1934 का धारा 17 से मिलती है, ठीक है ना। इसी को वो कह रहा है कि बैंकिंग को व्यवसाय करने का जो अधिकार देता है वो इस धारा 17 के तहत मिलता है। अपने मन से कुछ नहीं कर सकता है, हो सकता है आपको ये मैनेजर नहीं बताएगा कि हाँ मेरे को इतना तक पावर है, नहीं भाई आपसे मेरा रिश्ता अच्छा है 10 से 8 कर लेते हैं, आपको क्या लग रहा है यार मैनेजर मेरे लिए करना, नहीं भैया उसको RBI इतना बोला ही है, इससे ज्यादा कर भी नहीं सकता वो, है ना। तो ये व्यवसाय होता है, ठीक है ना। फिर RBI के 33 स्थानों पर कार्यालय हैं, ये अधिकांश राज्य की राजधानियों में है, मतलब जैसे छत्तीसगढ़ में भी रायपुर में इसका क्या है, RBI का एक ऑफिस होता है, ठीक है ना। चलिए कल पढ़ेंगे अब इसके आगे, जो RBI के 5 जो प्रशिक्षण प्रतिष्ठान है इसको कल पढ़ेंगे। कहीं पे कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है, सेंट्रल बोर्ड का गठन एकदम क्लियर है ना, उसमें जो 4 स्थानीय बोर्ड हैं पूरे चारों दिशाओं में है वो हो गया, फिर एक ऑफिस, इनके सारे ऑफिस होते हैं हर स्टेट में, ठीक है ना। वहां के मुख्यतः किस में है, राजधानी में होते हैं, छत्तीसगढ़ का रायपुर में है, ठीक है ना, देख लीजिएगा आप नेट में जाके, ये हो गया, ठीक, पढ़िएगा, जो नहीं समझ में आएगा कल मेरे से फिर पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि जो पढ़ा रहा हूँ कई बार आपको इंटरव्यू के हिसाब से भी जानबूझ के थ्योरेटिकल इतना लिख के ले आता हूँ कि आपको इंटरव्यू में अलग से मेहनत ना करना पड़े, थोड़ा सा पढ़िए तो रिवीजन हो जाए आपका, ठीक है ना। चलिए।